हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपके लिए यूट्यूब पे एक और वीडियो लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीसी मैनेजर यूजिंग सी शार्प। ठीक है, सी शार्प लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम पीसी मैनेजर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इतना पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा था कि अब जो हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, अब ये तो मेन पेज तो अपना डिज़ाइन हो गया है। आप और भी डिज़ाइनिंग इसमें दे सकते हो, कलर्स, बैकग्राउंड कलर वगैरह, यहाँ पे आप इमेज वगैरह, टाइटल वगैरह सेंटर में करके जो भी आप जिस भी तरीके से दिखाना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, और भी ज़्यादा इसमें अपन एडिटिंग बाद में करेंगे, है ना। अभी जो मेन कोड है वो अपना लिखना अपन चालू करते हैं। ठीक है, एग्जिट का कोड मैंने लिख दिया था। ठीक है, एग्जिट का कोड था हमारा दिस डॉट क्लोज, करेंट फॉर्म को क्लोज करने के लिए। उसके बाद मैंने कहा था कि इन सब के लिए अलग अलग अपन मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके। ये हमारा जो रूट फोल्डर है, ठीक है, ये हमारा मेन फोल्डर है, रूट फोल्डर। इस पर राइट क्लिक करके, ठीक है, जो हमारा रूट फोल्डर है उस पर मैंने राइट क्लिक किया और एड पे जाके विंडोज़ फॉर्म, हम एक नया विंडो फॉर्म, एक फॉर्म तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिला है, फॉर्म वन। ठीक है, अब मैं इसमें नया फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि एक एप्लीकेशन अपन बना रहे हैं तो मल्टीपल फॉर्म्स, अपन चार मॉड्यूल्स हैं तो चार मॉड्यूल्स के लिए चार फॉर्म्स और एक क्रेडिट्स के लिए भी एक फॉर्म अपन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्म विंडो फॉर्म में यहाँ पर ले लेता हूँ। इसका आपको नाम चेंज करना हो तो नाम भी आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मैं फॉर्म बना लेता हूँ, पीसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना देता हूँ। ठीक है, पीसी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म। ठीक है, जो भी आपको नाम देना हो इसका दे सकते हो, पीसी कॉन्फ़िगरेशन या फिर ओनली पीसी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया पीसी कॉन्फ़िगरेशन। क्रिएट कर दिया इस फॉर्म को। ठीक है, तो आपका एक नया फॉर्म यहाँ पे ऐड हो गया है, पीसी कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अपन तीन और फॉर्म्स बना देते हैं, तीन फॉर्म्स मॉड्यूल्स के लिए और एक क्रेडिट्स वाला फॉर्म भी बनाएंगे अपन। तो चार फॉर्म मैं और क्रिएट कर देता हूँ। एड पे जाके विंडोज़ फॉर्म, विंडोज़ फॉर्म इसका नाम मैं दे देता हूँ पीसी शेड्यूलर। ठीक है, पीसी शेड्यूलर, ओके। ठीक है, पीसी शेड्यूलर के बाद एड पे जाके विंडोज़ फॉर्म। ठीक है, पीसी शेड्यूलर के बाद मैंने यूज़ कर लिया पीसी प्रोग्राम्स। ठीक है, तीसरा मॉड्यूल पीसी प्रोग्राम्स, लास्ट मॉड्यूल है हमारा पीसी सिक्योरिटी। तो उसके लिए भी हम एक फॉर्म तैयार कर लेते हैं। एड विंडोज़ फॉर्म, इस मॉड्यूल का नाम मैं दे देता हूँ पीसी सिक्योरिटी। ठीक है, तो सभी के लिए हमने ये अलग अलग फॉर्म्स तैयार कर लिए। ठीक है, अब इनके अंदर हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सभी का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये था हमारा मेन फॉर्म, उसके बाद ये चार मॉड्यूल्स और एक फॉर्म मुझे और बनाना है, क्रेडिट्स की इन्फॉर्मेशन जिसमें अपन देंगे, जो डेवलपर्स की इन्फॉर्मेशन जिसमें रखेंगे। तो एक फॉर्म और बना लेते हैं, विंडोज़ फॉर्म, और इसमें जस्ट मैंने डेवलपर्स या जो भी आपको क्रेडिट्स, डेवलपर्स जो भी रखना है नाम, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसका नाम दे दिया डेवलपर्स, एड कर दिया। तो एक और फॉर्म आपका ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो आई होप कि ये एप्लीकेशन बनाने में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है,
तो धीरे धीरे अपन की एप्लीकेशन तैयार होती जाएगी, ठीक है। सो इसके आगे वाला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग एंड इन्जॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी।